यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले GTA 5। और गाइस अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा था तो आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम ना गाइस यार लेस्टर के कहने पर ना हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदे के घर से डायमंड चोरी किया था। लेकिन गाइस यार पता नहीं उस बंदे को कैसे पता चल गया था कि ये जो डायमंड चोरी किया है ना वो माइकल किया है। अब गाइस यार उसने लेस्टर का जो सीक्रेट बेस है ना उसका लोकेशन कैसे पता किया और सीधा आ करके सबको किडनैप कर लिया। मतलब माइकल को भी किडनैप कर लिया था, लेस्टर को भी किडनैप कर लिया था, और उसके साथ ना आपको पता हो एक हैकर गर्ल था लेस्टर का फ्रेंड, उसे भी किडनैप कर लिया था। लेकिन गाइस उसे छोड़ने के लिए ना माइकल को एक काम दिया था जिसे हमें करने पर ना वो लेस्टर को और लेस्टर के फ्रेंड को छोड़ देता। लेकिन गाइस वो वाला काम हम लोगों ने किया था, ये मतलब मिलिट्री बेस से ना जाकर के हमें एक खतरनाक सा फाइटर प्लेन चोरी करना था। तो गाइस वो करके हम लोग उसे दे दिए थे, लेकिन उस बंदे ने भाई मना कर दिया मतलब लेस्टर को वापस देने से, छोड़ने से। और गाइस अभी ना वो जो बॉस है ना वो बोल रहा है कि अगर तुम्हें लेस्टर और लेस्टर का जो फ्रेंड है ना हैकर गर्ल वो लड़की जिंदा चाहिए तो तुम ना जल्दी से मुझे $100 मिलियन दे दो और लेस्टर को अपने साथ वापस ले जा सकते हो। तो गाजर अभी तो इसने तो लेस्टर को वापस देने के लिए $100 मिलियन मांगा है। अब गाजर अपने पास पैसा तो बिल्कुल भी नहीं, आपको पता होगा यार अभी ना लेस्टर मतलब अंडर वाटर माफिया को मैंने बोला कि यार अपने दोस्त यार से पूछ और $100 मिलियन का जुगाड़ कर। फिलहाल तो गाजर अपने पास ना $10-20 मिलियन है माइकल के पास, लेकिन अभी ना पैसों की बहुत ज़्यादा कमी पड़ी है। तो एक बार ना जा करके सबसे पहले यार अंडर वाटर माफिया से बात कर लेता हूँ कि यार पैसों के जुगाड़ हो पाएगा या फिर नहीं। तो ओके गाइस यार मैंने माफिया से बात कर लिया। फिलहाल तो गाइस अंडर वाटर माफिया बोल रहा है कि उसने अपने एक फ्रेंड से ना $10 मिलियन का तो जुगाड़ कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी ना अपने पास सिर्फ $30 मिलियन है। अभी भी ना हमको पूरे $70 मिलियन चाहिए अगर हमें लेस्टर को बचाना है। तो चलो यार अभी ना मेरे पास एक ही आइडिया है, हम लोग जा करके ना बैनी और लमार से पूछते कि अपने शोरूम में से मतलब कुछ पैसा वगैरह आ गया होगा तो हम लोग उनसे ले लेंगे, वरना गाइस यार अभी ना कुछ तो करना पड़ेगा। हो सकता है अपने लैम्बोर्गिनी जान को भी बेच दे, खैर इसे बेचने से अपने पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। तो ओके गाइस अभी ना सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं बैनी के मिलने के लिए। मतलब बैनी ने मुझे थोड़ी देर पहले कॉल भी कर लिया था और भाई साहब बैनी बोल रहा ना कि अपने शोरूम पे भाई साहब एक भी कार नहीं है और कार वगैरह तो भाई इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा और भाई साहब अपने पास पैसों तो यार बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने सोचा डायमंड बेच करके बहुत सारा सुपर कार अपने शोरूम पे ले आएंगे, लेकिन भाई साहब उसका जस्ट उल्टा हुआ, भाई साहब अपना ही नुकसान हो गया। और भाई साहब वो जो बॉस ना भाई उससे तो मैं बदला लेकर रहूँगा, एक बार ये बस ना मैं किसी तरह से लेस्टर और लेस्टर के फ्रेंड को बचा लूँ उससे। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से अपने लैम्बोर्गिनी शान को ना भगाते भगाते मैं चल लेता हूँ अपने शोरूम के लिए। तो ओके गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पीड में अपने लैम्बोर्गिनी को भगाते भगाते ना मैं पहुँच चुका हूँ सीधा अपने शोरूम के लिए। और भाई यार कितना ज़्यादा स्लिप कर रहा टायर अभी इसकी ऐसी की तैसी। भाई नहीं 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 यार भाई ये क्या हो गया भाई, सब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में मैंने भाई यार क्या ही कर दिया। लेकिन एक सेकंड भाई यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो कि ना लोस्ट गैंग के बंदे नजर आ रहे हैं, ये ना किसी बंदे को लगता है मार रहे इसकी ऐसी की तैसी। तो गाइस यहाँ पे ना ये लोस्ट गैंग के बंदे ना किसी का ना कार से यहाँ से चोरी करने के लिए आए थे। भाई यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी डैड जो खड़ा है जो कि यहाँ से मुझे लगता है इस बंदे का है। और भाई सभी ना मुझे ये तो देखना पड़ेगा उतर करके, क्योंकि गाइस इससे ना भाई कहीं और जाकर लड़ना चाहिए था, मेरे शोरूम के सामने भाई रोड ब्लॉक करके ये लोग भाई ऐसे फाइट कर रहे। तो जाकर ना सबसे पहले इनसे यार बात करते हैं आखिर भाई साहब इस बंदे को इतने तगड़े तरीके से भाई ये बंदा मार क्यों रहा है, लगता है ये ना लोस्ट गैंग का साथ से कोई लीडर होगा। तो एक बार इन जाकर के फटाफट से ना इस बंदे से बात करते हैं। तो भाई साहब कितना मारेगा भाई, भाई मर जाएगा वो बंदा भाई। तो ओके गाइस मैं इस बंदे से ना आराम से बातचीत कर रहा था, लेकिन भाई साहब ये बंदा ना भाई कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा है। भाई देख रहे हो कैसे माइकल को भी धमकी दे रहा है, भाई साहब ये ना भाई अपने को ना वेपन दिखा रहा है। भाई तेरे से ना तगड़े तगड़ा वेपन है मेरे पास, अगर मैं निकाल दूँ ना तो तेरे पैंट गीली हो जाएगी। भाई इस बंदे से ना बात ही करना बेकार है, भाई अच्छे से बात कर रहा हूँ लेकिन यार ये तो माइकल को ही धमका रहा है। लेकिन कुछ भी हो इन्हें ना यहाँ पे लड़ाई नहीं करना चाहिए था, भाई ये अपना शोरूम है और यहाँ पे भाई ये बंदा ना इसे तो बचाना चाहिए मेरे को साथ से। भाई सब इनका ना मुंह तो तोड़ना पड़ेगा। तो चलो यार अभी ना ये बंदा साथ से ना इस बंदे को ख़त्म करने वाला है, लेकिन एक सेकेंड मेरे रहते हुए मेरे शोरूम के सामने कोई मर्डर नहीं होगा। निकल तेरी ऐसी की तैसी भैंस की, कभी ना सबका मुंह तोड़ेगा। भाई रुको अभी ना मुझे लेजर गन निकालने दो। और गाइस यार एक सेकंड अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। भाई भाई ये बंदे ना भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मतलब अस्पताल बनते जा रहे हैं। तो यार आपको पता होगा ये ना कुछ ही माफिया से मिले हुए, तो इसीलिए हो सकता है ये लोग ना इतना चौड़े हो रहे। निकल निकल तेरी तो भाई साहब ये लेजर गन से इतना कुछ नहीं होने वाला, भाई मेरे को देसी कट्टा निकालना पड़ेगा। चल तेरी तो भाई पट से हेडशॉट का, लेकिन एक सेकंड भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, भाई बहुत ज़्यादा गोलियाँ चला रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे अपने लैम्बोर्गिनी को भाई लैम्बोर्गिनी को मारेगा तेरी ऐसी की तैसे। निकल यहाँ से भाई यार कुछ ज़्यादा ही नहीं चला रही है ये लोग गोलियाँ, चल भाई तू भी निकल। ओके गाइस भी ना देसी कट्टे से मैंने सबका मुंह तोड़ रहा हूँ। फिलहाल एक बंदा यहाँ पे बचा हुआ है, अबे मर जाना भाई, कहाँ भाग रहा है, अबे तू निकल यहाँ से। चलो ये तो गया,
सामने कोई बंदा है क्या? ओके ये बंदा एक निकल, चल तेरी तो रिलोड तो कर ले भाई, चलो यहाँ से निकलो। ओके गाइस यहाँ पे सारे बंदे मैंने खत्म कर दिया लगता है। तो गाइस जरा बिना मुझे तो किसी का तो साउंड आ रहा है, मतलब एक ना एक तो बंदा जरूर होगा यहाँ पे भाई। नीचे जाकर ओ भाई कौन चलाया भाई इसकी, ऐसी कैसे निकल भाई भाई भाई, एक सेकंड अभी मारेगा, चल तू भाई यार क्या ही मारा है मैंने इसको डायरेक्ट मतलब चेस्ट पे ही। तो चलो गाइस ये तो बंदा गया। फिलहाल गाइस इन लोगों ने भाई देख रहे हो अपने यार शोरूम का रोड ब्लॉक कर रखा था, तभी ने जाकर इस बंदे से पूछते हैं कि आखिर भाई इन्हें ये लोग मार क्यों रहे। तो भाई सब देख रहे हो ये लॉस्ट गैंग का यहाँ से कोई लीडर था, तो इसे भी मैंने मतलब टपका दिया। तो चलो एक बार इस बंदे से बात कर लेता हूँ मैं। तो ओके गाइस अभी मैंने इस बंदे से बात कर लिया। फिलहाल तो गाइस ये जो बंदा है ना ये अपने ही शोरूम पर आ रहा था अपने नए लैम्बोर्गिनी टेर जो को ना मॉडिफिकेशन कराने के लिए। लेकिन भाई साहब लॉस्ट गैंग के बंदे ने इसके पीछे पता नहीं काफ़ी टाइम से पड़ गए थे, और भाई साहब बसते बसते ना यहाँ तक तो आ गया, लेकिन भाई साहब इसकी कार को लॉस्ट गैंग के बंदे चोरी करने के चक्कर में भाई इस बंदे को ना बहुत ज़्यादा कूटा है। तो खैर इसे मैंने बचा लिया और भाई साहब आ भी रहा था अपने ही शोरूम पर, तो बचाना तो बनता है। चलो गाइस अभी ना जल्दी जल्दी से मैं जाने वाला था बेनी के पास, और भाई अभी ना पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, उस बॉस को देना है और लेस्टर को और लेस्टर के फ्रेंड को बचाना है। भाई यहाँ पे भाई कितना ज़्यादा यार ड्रिफ्ट खाता है ये भाई ये लैम्बोर्गिनी। तो चलो यहाँ पे सामने चलता हूँ, और यहाँ पे भाई टो ट्रक वगैरह खड़ा है, और भाई काफ़ी सारे कार भी ना आजकल रिपेयरिंग के लिए भी आ रहा है। और भाई आपको पता होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी सारे टो ट्रक भी लाया था। तो चलो यार अभी मैं अपने लैम्बोर्गिनी को ना सीधा अपने शोरूम के अंदर ले जाता हूँ। और भाई सब बैनी वैनी यहाँ पे होगा या नहीं? लमार तो वैसे मुझे खड़ा दिख गया, लेकिन एक सेकेंड यहाँ पे ना किसी के SUV जिसका हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और भाई ये ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से क्रैश हुआ था भाई। देख लो टायर वगैरह इंजन वगैरह भाई बैक इसका देखो यार कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। भाई ये रहा बैनी, इसे ना रिपेयरिंग करने में लगा हुआ है। तो अभी ना जा करके सबसे पहले ना मैं लमार से बात करता हूँ, फिलहाल तो बेनी ना इस कार को फिक्स करने में लगा हुआ है। तो ओके गाइस जरा मैंने लमार से सारे बातें बता दिया है, और फिलहाल तो गाइस लमार के पास तो पैसा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और भाई सब अपने को ना अभी भी $70 मिलियन की जरूरत है। तो गाइस जरा लमार बोल रहा है ना कि कल ना अपने शोरूम पर एक बंदा आया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर बंदा था जो ना अपने शोरूम से ना वो बुगाटी सेंटो डीसी लेने के लिए आया था। लेकिन भाई सब आपको पता होगा बुगाटी सेंटो डीसी यार काफ़ी महंगी कार है, और वाली कार ना अपने शोरूम पर तो बिल्कुल भी नहीं था। तो गाइस जरा ना वो बंदा ना बुगाटी सेंटो डीसी अगर हम उसे कहीं से भी ला करके दे देते हैं तो गाइस यार वो ना हमें आराम से 60 मिलियन दे देगा, क्योंकि वो जो कार ना पूरे $60 मिलियन का है। तो चलो गाइस जरा मैंने लमार से बातचीत कर लिया। फिलहाल तो गाइस यार लमार जो है वो बोल रहा है कि लॉस सेंटोस मतलब पूरे लॉस सेंटोस में ना सिर्फ एक ही बंदे के पास बुगाटी सेंटो डीसी है, जो कि ना गाइस यार यहाँ पे ना बहुत बड़ा मैंसन है उसका, और उसके मैंसन में ना इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है कि वहाँ से जा करके कार को लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन गाइस जरा हमें लेस्टर को बचाना है, तो ये काम भी हमें करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से हमें चोरी करना ही पड़ेगा। तो चलो अभी ना देख रहे हो सामने जो बंदा आया है ना वो वही बंदा है जो कि यार मतलब लॉस्ट गैंग के बंदे उसे कूट रहे थे, और ये अपने लैम्बोर्गिनी को ना मतलब टेर जो को मॉडिफिकेशन कराना है। तो फिलहाल ये जो बंदा है ना बेनी से बात कर रहा है, तो चलो अभी ना अपना काम करते हैं। फिलहाल मैंने लमार से ना सारा डिटेल वगैरह ले लिया, उसका लोकेशन भी ले लिया जिस बंदे के घर पर बुगाटी सेंटो डीसी है। और गाइजर चलो अब जल्दी जल्दी से हम लोग चल लेते हैं सीधा भगाते भगाते ना। और गाइजर मैंने बेनी को बोल दिया कि यार जल्दी से जल्दी ना जो बंदा बुगाटी सेंटो डीसी को लेने के लिए आया था ना उसे बोल दो कि यार बुगाटी सेंटो डीसी हमारे पास है और सारा पैसा वगैरह मतलब लेकर के आ जाए और ले जाए अपने कार को। तो चलो यार जब तक वो बंदा आता है ना तब तक हमें वो कार लाना पड़ेगा, अगर हम लोग नहीं लाते। तो भाई साहब देख रहे हो क्या ही जबरदस्त चलती है भाई अपने लैम्बोर्गिनी यार। तो चलो मैं क्या बोल रहा था, जब तक वो बंदा आएगा ना तब तक हमें बुगाटी लाना पड़ेगा, वरना भाई साहब वो बंदा भी गुस्सा हो जाएगा, और भाई क्या पता अगर हम लोग ना ला पाए तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो चलो यार जल्दी जल्दी से हम लोग चलते भगाते भगाते वैसे था उस बंदे के मैंसन के पास। तो ओके गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो मैंने अपने इस वाले लैम्बोर्गिनी यान को भगाते भगाते ना बहुत तो भाई यार क्या ही चला रहा हूँ मैं, कितना ही हैवी ड्राइवर बनने जा रहा हूँ मैं। तो चलो मैं आ चुका हूँ, और भाई ये जो ऊपर जो मैंसन है ना ये वही मैंसन है जो कि यार उस बंदे का बहुत अमीर बंदा है, इसके पास ना कार्स ना भाई बहुत ज़्यादा है और भाई खासकर सुपर कार। तो चलो यार एक बार ना मैं इसके घर से चोरी किया था, लेकिन गाइस इस बार ना इस बंदे ने भाई सब बहुत सारा सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया है, तो इस बार ना गाइस ये लोग मेरे को पहचानते भी होंगे, तो मुझे ना बचकर रहना पड़ेगा, और अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो चलो अभी मैं अपने लैम्बोर्गिनी को ना थोड़ा सा दूर में पार कर दिया ताकि गाइस इन लोगों का ध्यान मेरे पे बिल्कुल भी नहीं जाए। तो चलो जल्दी से हम लोग चल लेते सामने। तो ओके गाइस इन लोगों ने मुझे कैसे कैसे देख लिया, बाकी तो गाइस भी वक्त आ चुका है लेजर गन निकालने का और इनका मुंह तोड़ने का। बाकी लमार भी आ चुका है लेजर गन के साथ। अबे तेरी ऐसे कैसे निकल यहाँ से भाई, सामने से मारने आ रहा था भाई यार, देख इनके पास ना काफ़ी तगड़ी वेपन है। तो चलो यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों मैंने टपका दिया, बाकी भाई ये बंदा भाई कहाँ कौन से नशे करके भाई इधर उधर भाग रहा है। तो ओके गाइस यहाँ पे बाहर के सारे सिक्योरिटी गार्ड मैंने मार दिया। फिलहाल तो एक बंदा जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और ये अपने आप को ना कुछ ज़्यादा ही चलाक समझ रहा है। खैर निकल तू बेटे, अबे भाई 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 एक बारी और निकल, अभी तेरा भाई छाती तोड़ दूंगा, निकल तेरी ऐसी भाई साहब क्या ही बंदा को मारा
मारा मैंने और भाई नीचे जाकर भाई बंदा मर ही गया। तो कि गाइस बाहर के सिक्योरिटी गार्ड को मारना तो बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन अंदर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ना भाई, तीन अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी गार्ड है, लमार बोल रहा है, तो हमें ना थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। बाकी ये जो गेट है ना भाई ओपन है भाई, चलो निकल भाई। भाई यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, लेकिन ये इनका ध्यान भाई कहाँ, निकल तेरी ऐसी की तैसी। भाई एक तो गया, बाकी ये बंदा निकल तेरी, तो भाई लमार को मार रहा था। खैर मैंने हेड फोड़ दिया। तो ओके गाइस मैंने लमार को बोला कि यार तू ना पीछे पीछे आना और भाई कवर देना थोड़ा सा ना, मैं आगे आगे चलता हूँ। और सामने की तरफ ना कुछ बंदे मेरे को नजर तो आ रहे थे, लेकिन मैंने साथ से उनको मार दिया, लेकिन पीछे के साइड तो कोई नहीं ना। ओके कोई ना, लमार संभाल लेगा पीछे वाले बंदे को। मैं ना भागते भागते सीधा ऊपर चलता हूँ। भाई साहब देख रहे हो कितना लंबा रास्ता है। तो के गाजर भी देख सकते हो सामने की तरफ में भाई बहुत सारे बंदे अचानक से आ गए। मतलब भाई देख रहे हो मेंशन के ऊपर खड़ा हो, भाई निकल तेरी ऐसी तरी ले ले भाई, देसी कट्टा अपने पास, सबका मुंह तोड़ दूंगा। चलो यहाँ पे दो तीन बंदे तो गए, लेजर गन निकालता हूँ। भाई भाई देख रहे हो इसका जो गराज भाई पूरा गाड़ियों से भरा पड़ा है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा बंदे भाई 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 एक सेकेंड, यहाँ पे ना लेजर गन से अपने को काम चलाना पड़ेगा। और भाई ये रहा बंदा, निकल तेरी को। सामने की तरफ भी कुछ बंदे हैं, और एक सेकेंड यार अंदर से कोई तो मार रहा है। चलो ये भी गया। बाकी भाई यार देख रहे हो कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा आगे चलते हैं सामने भाई, और ओके ये बंदा एक उठ रहा। भाई निकल तेरी तो, भाई छुप गया इसकी ऐसी की तैसी। भाई यार इसको तो कुछ करना पड़ेगा। भाई 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 सामने बंदे बहुत सारे यार, भाई भाई बहुत ज्यादा बंदे, भाई छुपना पड़ेगा मेरे को। तो क्या जब मैंने काफी सारे बंदों खत्म कर दिया, बाकी इस साइड भी भाई बंदे इसकी ऐसी की भाई, कहाँ स्विमिंग पूल में नहा रहे हो क्या, चल रहे हो यहाँ से निकलो। ओके यहाँ पे मैंने हेड फोड़ दिया सबका। बाकी सामने दो तीन बंदे घूम रहे, इसकी तो भाई यार लेसी कट्टा निकालना पड़ेगा यार। भाई विंडो से मार रहा है झाँक झाँक के, निकल तेरी तो। भाई हेड शॉट यार इसका क्या ही पड़ा था, बहुत दूर से मार रहा हूँ भाई, इसको तो लगा ही नहीं साथ से, चलो लगा होगा। बाकी अभी ना भाई यार मुझे ना M249 निकालना पड़ेगा। तो चलो गाइजर अभी M249 से मैं ना सबका हेड पड़ने वाला हूँ। बाकी गाइजर दूर दूर के बंदे काफ़ी सारे मैंने मार दिया, सामने एक बंदा है, चल तेरी तो भाई, तू ना सीधा पानी पे ही डूब जा। तो चलो यहाँ पे सारे बंदे गए, बाकी अभी ना इस साइड में बहुत सारे बंदे, मुझे संभल कराना पड़ेगा। ओ भाई सामने एक बंदा, चल तेरी भैंस की आँख। चल भाई यार देख रहे हो इसके गैराज में भाई कितने सारे कार कलेक्शन है यार। भाई ये रहा बुगाड़ी सेंट और डीसी जो कि पूरे ग्रीन कलर में है, और गाजर ये भी कलर काफ़ी ओपी लग रहा है। खैर इसके पास ना लिमोजिन वगैरह तो नहीं है, मतलब महंगी महंगी कार काफ़ी सारा है, सुपर कार भी काफ़ी अच्छी खासी है। और भाई सामने कोई बंदा नहीं है, और एक सेकेंड यार कोई बंदा है तो है ना नहीं। बाकी यार इसके घर में ना पैसे भी होगा जरूर, तो आया हूँ तो भाई पैसे भी तो लेकर के जाऊँगा। तो चलो अंदर चलते हैं। तो ओके गाजर जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ ना कुछ बंदे हैं, और भाई साहब एक सेकेंड इसको तो यार लगा ही नहीं, इसकी ऐसी की तैसी। भाई निकल जाती है यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं यार। तो चलो यहाँ पे दो तीन बंदे हैं भाई, सबको टपकाते हैं भाई यहाँ से। भाई भाई रिलोड कर ले भाई माइक। तो चलो यहाँ पे ना दो तीन बंदे और है, चल तेरी तो। ओके गाइजर यहाँ पे मैंने सारे बंदे को लगता है खत्म कर दिया, लेकिन गाइजर एक सेकंड कोई तो फायर कर रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। भाई बंदा किधर है भाई, एक सी ओ भाई ये रहा भाई, ऊपर ही पड़ बैठा हुआ है भाई, खड़ा हुआ है और मैंने देखा भी नहीं। भाई यार देख रहे हो कितना सस्ता शीशा लगा रखा भाई ये बंदा, और भाई एक एक बुलेट में टूट रहा है। तो चलो सामने की तरफ ना भाई देख रहे हो कितने सारे पैसे पड़े हैं, तो यार जल्दी से ना सारे पैसे को मैं बैग में डालता हूँ और इसे लेकर निकलता हूँ। तो कि गाइजर जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो मैंने सारे पैसे यहाँ पे बैग पर भर लिया, बाकी ना पूरे $30 मिलियन यहाँ से मिला मुझे, जो कि बहुत है। और अभी जो मेन हमें चोरी करना है वो बुगाटी सेंटो डीसी। तो नीचे आ गया मैं, और भाई साहब देख रहे हो भाई 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 कोई तो मार रहा है, इसकी भैंस की टांग निकल तेरी तो। भाई टकले मुंह फोड़ दूंगा। तो चलो गाइजर यहाँ पे बुगाटी सेंटो डीसी में बैठते हैं और लेकर निकलते हैं। बाकी यार इसके पास ना देख रहे हो कितने सारे कार है, यहाँ पे रोल्स रॉयस भी खड़ी है भाई, वेंटेज कार भी पड़ी है। बाकी यार यहाँ से निकलते हैं, बाकी कार छोड़ो, ये कार ना सबसे महंगा है। तो चलो यहाँ पे भाई यार भाई किधर भागना पड़ेगा, भाई पुलिस वाले अपने पीछे है लगता नहीं, ये जो बंदा है ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पुलिस वाले भाई इसके साथ मिले हुए। तो चलो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, बाकी इधर एक प्लेन है, तो मैंने सोचा यार इसी के अंदर इस कार को डालते हैं और ले करके निकल लेते हैं, क्योंकि ऐसे रोड पर भागेंगे ना तो भाई पुलिस वाले ना मिलकर भाई मुँह तोड़ देंगे अपना। चलो गाइस यार यहाँ पे ये भी गया, बाकी सामने की तरफ कोई बंदे वंदे तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन भाई एक सेकेंड भाई हेलीकॉप्टर से मार रहे ऊपर से, तीस की ऐसी की तैसी। भाई निकल ले तू यहाँ से, भाई यार क्या ही करने आया ये लोग। तो चलो यहाँ पे इनका तो मुंह तोड़ना पड़ेगा, निकल यहाँ से भाई, आरपीजी भी खतरनाक गन है मेरे पास। तो चलो यहाँ पे एक और है, चल तेरी तो भाई, यार गया। तो चलो गाइस अभी ना काफ़ी बंदे मैंने टपका दिया भाई, स्वेट शोल्डर से पंगा लेने से अच्छा यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। एक सेकेंड यार अपना जो कार है ना बुगाटी, इसको मैं इस प्लेन के अंदर डालता हूँ, उसके बाद ना भाई यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे अभी स्वेट सोल्जर्स पुलिस वाले आने वाले हैं, क्योंकि यार ये जो बंदा है ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। तो चलो यहाँ पे मैंने डाल दिया, बाकी जल्दी से ना गाइस इसे ना बैक वाले डोर को ना बंद कर लेते हैं। और भाई सब एक सेकेंड पीछे के साइड में कुछ स्वेट सोल्जर्स आ गए, भाई इसकी ऐसी की तैसी। अबे निकल ले नल्लो यहाँ से भाई, यार देख लो इनका तो मैंने मुँह तोड़ दिया, भाई तू निकल यहाँ से।
तो चलो यहाँ पे ये भी गया। बाकी M249 भाई ओपी है भाई, सबको ना आराम से खत्म कर देता है। तो चलो यहाँ पे और भी एक भाई, एक और हेलीकॉप्टर है इसकी, ऐसी की तैसी। रुको अभी ना मेरे को गन निकालना पड़ेगा, चल तेरी। तो चलो ये भी गया, चूर चूर हो गया भाई। तो चलो इसे हम लोग जल्दी से ना बंद कर लेते हैं और यहाँ से निकलती है। तो कि गाजर जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पीछे वाले डोर को मैंने बंद कर दिया। बाकी तो गाजर अभी जल्दी से ना इस वाले हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और यहाँ से गाजर मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, वरना भाई साहब अभी और भी ज़्यादा पुलिस वाले आ सकते हैं भाई। हेलीकॉप्टर से भाई ऐसे तरीके से पीछे करेंगे ना यार, पूछो ही मत। खैर सामने ना भाई ये ना टकराना जा भाई, आराम से आराम से। चलो गाजर कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी से हम लोग इसे उड़ा लेते हैं। और गाजर काफ़ी तगड़ी तरीके से ना ये उड़ भी चुका है। तो चलो यार अभी मैंने लमार से बातचीत कर लिया, फिलहाल तो मैंने लमार को भी दिया कि तू ना जल्दी से ट्रेवर के गांव मतलब वहाँ पे जो एयरपोर्ट है ना वहाँ पे पहुँच, मैंने सीधा कार को लेकर वहीं पर आता हूँ। बाकी वो जो बंदा है ना जो कि यार मतलब दूसरे कंट्री से आया है बुगाटी सेंट्रो डीसी को लेने के लिए, वो बंदा अपने शोरूम पर पहुँच चुका है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग भगाते हैं और गाजर जल्दी से हम लोग चले सीधा ट्रेवर के गाँव की तरफ। और भाई वहाँ भी एयरपोर्ट है, वहीं पर भाई सब मतलब अपना जो लमार ना वेट कर रहा होगा। तो चलो गाजर अभी जल्दी जल्दी से भगाते हैं। बाकी गाजर पुलिस वाले ना अपने पीछे भी पड़े, तो अभी ना सबसे पहले मुझे पुलिस वालों से बचना पड़ेगा। तो फाइनली गाजर जैसा कि आप सभी देख सकते हो, पुलिस वाले अपने पीछा छोड़ चुके हैं, मैं ना भगाते भगाते सीधा ट्रेवर के गाँव की तरफ जो एयरपोर्ट है ना वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मैंने लमार को भी यहीं पर बुलाया था, तो उम्मीद है लमार भी पहुंचता होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग नीचे उतरते हैं और अपने बुगाटी को ना सीधा बाहर निकलते हैं और भाई साहब जल्दी जल्दी अपने शोरूम की तरफ चलते हैं। वो बंदा भी वेट कर रहा है और मैंने यार अंडरवाटर माफी को भी कॉल करके बोल दिया था कि ना वो जो बंदा है ना उसे जल्दी से बुला लेना, तो वो भी साथ से आ चुका होगा। तो मैंने मुझे जल्दी से पैसे लेकर जाना है। और भाई ये रहा लमार, लमार भी यार काफ़ी देर से यहाँ पे वेट कर रहा था सामने वेयर हाउस से वहाँ पर। तो चलो यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना अपने बुगाटी को सीधा बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो के गाजर जैसे कि आप सभी देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है अपना ये बुगाटी सेंट्रो डीसी। मन तो कर रहा है यार इसे खुद चलाऊं, लेकिन भाई यार कुछ नहीं कर सकते, बहुत महंगी कार है। और अगर हम लोग इस कार को बेचते हैं तो भी यार हम लोग लेस्टर और लेस्टर को फ्रेंड को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे लमार भी काफ़ी खुश है कि यार फाइनली हम लोगों ने लेस्टर को बचाने के लिए इस वाली कार को भी चोरी कर लिया, और पैसों का भी इंतजाम हो ही चुका है मतलब लमार बोल रहा है। और इस वक्त ना गाजर बस हमें जाकर उस बंदे को इस वाली कार को देना है और वो पैसा वगैरह लेकर आ चुका है। तो के गाजर भी ना बैनी का कॉल आया है और भाई साहब बैनी बोल रहा है कि यार जल्दी से तुम लोग आ जाओ। वो जो बंदा ना काफ़ी टाइम से वेट कर, भाई गुस्सा भी कर रहा है क्योंकि उसे ना काफ़ी काम है और भाई सारा काम छोड़ करके बुगाटी को लेने के लिए आया है और पैसे वगैरह सब कुछ लेकर आया है। तो चलो अभी मैंने लमार को बोलकर अपने लैम्बोर्गिनी को पकड़ो और जल्दी जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। बाकी तो गाजर देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है बुगाटी सेंट्रो डीसी ग्रीन कलर में। वैसे वो जो कलर था ना भाई ब्लू वाला, वो भी काफ़ी खतरनाक था। भाई साहब देख रहे हो क्या ही ड्रिफ्ट मारता है। तो चलो यहाँ पे ना गाइजर आराम से हम लोग चला देते हैं। भाई यार कुछ भी स्क्रैच वगैरह नहीं आना चाहिए, वरना भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो चलो यार अभी ना भगाते भगाते ना मैं सीधा चलता हूँ अपने शोरूम के लिए। तो गाइजर जैसा कि भी आप सभी लोग देख सकते हो, मैं इस वाले बुगाटी को भगाते भगाते ना आ चुका अपने शोरूम के लिए। और भी ना मुझे फ्रैंकलिन का भी कॉल आया था और भाई फ्रैंकलिन बोल रहा है कि वो जो है लेस्टर और लेस्टर के फ्रेंड को लेकर के आ चुके हैं लेस्टर के सीक्रेट बेस में। तो जल्दी से ना टाइम दिया है पूरे आधे घंटे का पैसे लेकर आने के लिए। बाकी ये लोग भी ना यहाँ पे देख रहे हो भाई, इसके जो सिक्योरिटी गार्ड है ना भाई वो भी सुपर कार में घूमते हैं। भाई यार कितना ही अमीर बंदा होगा, आपको यार सोच ही सकते हो भाई। देख रहे हो कितना खतरनाक तरीके से ये लोग सारे सुपर कार में है। भाई ये बंदा ना पैसे लेकर खड़ा है और अभी ना इसके मालिक से हम लोग बात कर लेते फटाफट से। तो चलो गाजर फाइनली अभी ना मुझे नोटों की गड्डी भर भर के यहाँ पे बैग मिल चुका है और अभी ना गाजर अभी मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। फिलहाल तो गाजर यहाँ पे मैंने बैनी को बोल दिया कि बाकी जो भी काम हो तू संभाल लेना। और यहाँ पे इस बंदे को ना कार भी काफ़ी तगड़ी लगी और भाई साहब ग्रीन कलर में भाई काफ़ी ओपी लग रहा है। तो चलो अभी ना अपना जो मतलब एक निंजा S2 है ना वो बाइक अभी गराज के अंदर ही खड़ा होगा, तो जल्दी से उसे लेते हैं। और यहाँ से ना गाजर मुझे जल्दी जल्दी से जाना पड़ेगा लेस्टर के सीक्रेट बेस की तरफ, क्योंकि वो जो बॉस है ना भाई लॉस सैंटोस आ चुका है। वैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने उसे जो है कायो पेरिको में देखा था और आपको पता होगा कि वो ना कायो पेरिको लेकर के चला गया था लेस्टर को और लेस्टर के उस हैकर फ्रेंड को। तो चलो अपने बाइक में बैठते हैं और भाई जल्दी जल्दी से भगाते भगाते मैंने सीधा चल लेता हूँ लॉस सैंटोस मतलब लेस्टर के सीक्रेट बेस की तरफ। बाकी गाजर यहाँ पे यार जंप ही करा लेता हूँ भाई, यहाँ जा रहा है अपना। चलो यहाँ पे प्यारे तरीके से जंप और भाई सब देख रहे हो कितना मज़ा आ रहा है। तो चलो गाजर अभी ना मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस वाले बाइक को चलाने वाला हूँ और संभल संभल के चलाऊंगा। तो चलो गाजर जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई क्या स्पीड आ रही है, तो चलो जल्दी जल्दी से हम लोग चल लेते हैं। तो के गाजर जैसे भी आप लोग देख सकते हो मैं इस वाले बाइक को भगाते भगाते ना गाजर सीधा आ चुका हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस की तरफ। और भाई सब ये लोग ना अपना ही वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। बाकी पैसे वगैरह लेकर के आ चुका हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यहाँ पे ना आधा पैसा मेरे बैग पर है और सूटकेस पर है, बाकी जो पैसा ना ये लेस्टर के घर पर ही रखा हुआ था। तो चलो गाजर अभी ना अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और जल्दी से ना इनसे जा करके बातें कर लेते हैं
और गाइस यार जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ ट्रेवर फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया को भाई इन लोगों ने भाई हाथ बांध रखा है और इस वक्त ना भाई इनके पास भी वेपन वगैरह नहीं, वरना भाई साहब सबके सब मिल करना इनका मुंह तोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ो आप ही गाइस इनसे फालतू मंगा नहीं लेना है, जल्दी से ना सबसे पहले इनको बात करते हैं और पेमेंट वगैरह सब कुछ कर लेते हैं और लिस्टर को बचा लेते हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो पूरे 100 मिलियन डॉलर भाई साहब इन लोगों ने ट्रेवर किस वाले गाड़ी पर लोड करा लिया है। और भाई साहब पैसों के साथ साथ ना ट्रेवर का ये वाला गाड़ी भी ये लोग लेकर के जा रहे हैं। भाई यार क्या ही बंदे हैं, मतलब जितना मैंने पैसा लाया था ना बुगाटी बेच करके और यहाँ पे लेस्टर घर पे काफी पैसा पड़ा था तो वो सारा पैसा हम लोगों ने दे दिया और फाइनली लेस्टर को हो सकता है अब ये लोग छोड़ दें, तभी ना जल्दी जल्दी से हम लोग इससे बात कर लेते हैं। तो चलो गाइस यार अभी इनसे बातचीत करने के बाद सारे पैसे वगैरह मैंने इनसे दे भी दिया था तो ये लोग ना भी जा चुके हैं, लेकिन जाते जाते अपने को ना एक बहुत ही बड़ी धमकी देकर गए हैं। अगर यार माइकल ने दोबारा इनसे पंगा वंगा लिया ना, ये बोल रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने दोबारा मेरे से पंगा लिया ना तो भाई सब इस बार ना कोई भी नहीं जिंदा बचेगा, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रहा है यार, क्या ही कर सकते अब यार, हम लोग भी मजबूर थे लेस्टर को बचाना था और इस बार तो लेस्टर को हम लोग बचा चुके हैं। और गाइस यार अगर अभी ना मेरा तो यार मन कर रहा है ना भाई साहब इनका ना मुंह तोड़ दूँ अभी रास्ते में ही, लेकिन यार कुछ नहीं कर सकते, ये लोग भाई साहब अपना फैमिली का लोकेशन भी जानते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना माइकल को फैमिली को भी बचाना पड़ेगा और सबको सेफ रखना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार आज इस वाले वीडियो में इतना, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से जा करके ना वीडियो पे 2000 लाइक कंप्लीट कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।